सो हे गाइस, फिर से स्वागत है JR एडिटिंग जोन चैनल पर। सो गाइस, इस वीडियो पर मैं आज आप लोगों को गोल्डन टोन वाला एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। जैसे कि मेरी स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, सो इस तरीके का एडिटिंग आप लोग इंस्टाग्राम पर बहुत देख चुके होंगे, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है कि इस तरीके से करना है इस तरीके का एडिटिंग। सो इस वीडियो को फुल देखना और स्टेप बाई स्टेप देखना, क्योंकि इस वीडियो पर मैं आज आप लोगों को फुल इस तरीके का एडिटिंग सिखाने वाला हूँ, वो भी लाइटरूम के अंदर। सो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले लाइटरूम के अंदर फोटो को ऐड कर लीजिए। सो जैसे कि मैं फोटो को ऐड कर लिया लाइटरूम के अंदर, उसके बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। सो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर कलर लाइट वाले ऑप्शन देख सकते हैं। सो लाइट पर टैप कीजिए, उसके बाद यहाँ पर एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट, शेडो सब कुछ एडजस्ट कर लीजिए अपने फोटो के मुताबिक से, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। थोड़ा सा आप लोग सबसे पहले एक्सपोजर को हाई कर दीजिए, उसके बाद कॉन्ट्रास्ट को जैसा है वैसा ही रहने देना, अपने पिक के मुताबिक से कॉन्ट्रास्ट को देना, ठीक है। सो मैं हाईलाइट को थोड़ा सा माइनस की तरफ करूँगा और शेडो को थोड़ा सा हाई और ब्लैक को माइनस की तरफ, ठीक है। सो आप लोग देख सकते हैं फोटो के अंदर थोड़ा सा डिटेल्स आ गया। सो यहाँ पर आप लोगों को कलर वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है, उसके बाद यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं नीचे गाइस। सो इसके ऊपर टैप कर दीजिए, उसके बाद मिक्स वाले टूल ऊपर देख सकते हैं। सो वीडियो को पूरा देखना और स्टेप बाय स्टेप देखना, यहाँ पर मैं सब कुछ आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लेना है और कोई भी कलर छेड़ना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। सो ग्रीन कलर को सिलेक्ट करना है, उसके बाद ह्यू को माइनस की तरफ कर देना है यानी लेफ्ट की तरफ, और जो सेचुरेशन है उसको हाई, और जो येलो कलर है उसका जो सेचुरेशन है उसको थोड़ा सा माइनस की तरफ, और जो ऑरेंज कलर है उसका जो सेचुरेशन है उसको थोड़ा सा माइनस की तरफ, और जो लेमुलेशन है उसको थोड़ा सा हाई। सो फेस गोरा हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं फोटो के अंदर कुछ अलग टाइप का इफेक्ट आ चुका है, जो येलो टाइप का होता है ना, उस तरीके का इफेक्ट आ चुका है फोटो के अंदर। सो सिंपली आप लोगों को इस फोटो को सेव कर लेना है लाइटरूम से, ठीक है। सो थ्री डॉट वाले ऑप्शन के ऊपर टैप कर दीजिए, ऊपर आप लोग देख सकते हैं थ्री डॉट वाले ऑप्शन। टैप करने के बाद यहाँ पर सेव टू डिवाइस, इसके ऊपर टैप कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पर से हाईएस्ट अवेलेबल क्वालिटी यहाँ पर टैप कर दीजिए, ठीक है। सो इसके ऊपर टैप करने के बाद फोटो आपका सेव हो जाएगा गैलरी में। सेव होने के बाद आप लोगों को ये वाला जो फोटो है ना लाइटरूम के अंदर जो ऐड किया था उसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद फिर से फोटो को ऐड करना है लाइटरूम के अंदर। जैसे कि इस फोटो सेव हो गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, इसको मैं डिलीट कर दिया, जैसे कि मैं डिलीट कर दिया, उसके बाद आप लोगों को फिर से ऐड कर लेना है जिस फोटो को आप लोग सेव किया था, ठीक है। जैसे कि मैं इस फोटो को सेव किया था, इसको मैं ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद आप लोगों के सामने फिर से उस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। सो यहाँ पर से आप लोगों को कलर वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है, उसके बाद मिक्स वाले टूल, ठीक है। और कोई भी कलर को छेड़छाड़ नहीं करना है, यहाँ पर येलो कलर को सिर्फ छेड़छाड़ करना है आप लोगों को, ठीक है। सो येलो कलर को मैं सिलेक्ट करता हूँ, उसका जो ह्यू है वो लेफ्ट की तरफ करूँगा यानी माइनस की तरफ, और जो सेचुरेशन है उसको थोड़ा सा माइनस की तरफ। आप लोग देख सकते हैं फोटो के अंदर गोल्डन टोन आ रहा है गाइस, और जो लुमिनेशन है उसको थोड़ा सा हाई, और यहाँ पर जो ग्रीन कलर है उसको हम लोग नहीं छेड़ेंगे और ब्लू कलर को छेड़ेंगे थोड़ा सा। ब्लू कलर को सिलेक्ट कर लिया मैंने, उसके बाद सेचुरेशन को हाई और जो ह्यू है उसको माइनस की तरफ। सो आप लोग देख सकते हैं फोटो बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ से मैं थोड़ा सा जो ऑरेंज कलर है उसको भी छेड़छाड़ करूँगा, थोड़ा सा लुमिनेशन को हाई करूँगा क्योंकि फेस गोरा चाहिए। सो यहाँ पर से डन, उसके बाद यहाँ पर से थोड़ा सा डिटेल्स डाल दूँगा मैं, और जो वाइब्रेंट है उसको माइनस की तरफ कर दूंगा, और यहाँ पर से थोड़ा सा शार्पनेस को हाई कर दूंगा, और नॉइस रिडक्शन को भी हाई, और जो कलर नॉइस रिडक्शन है उसको भी हाई। सो आप लोग देख सकते हैं फोटो के अंदर बहुत ही स्मूथनेस आ चुका है। और यहाँ पर आप लोगों को वाइट बैलेंस को देख लेना है, वाइट बैलेंस के अंदर सब चीज़ होता है। जैसे कि वाइट बैलेंस के ऊपर मैं टैप किया, सबसे पहले कलर वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है, उसके बाद वाइट बैलेंस आ जाएगा। सो यहाँ पर जो ऊपर वाला आइकॉन है इसको थोड़ा सा इधर करेंगे, और जो नीचे वाला आइकन है उसको थोड़ा सा माइनस की तरफ, ठीक है। सो आप लोग देख सकते हैं फोटो के अंदर कुछ उस तरीके का इफेक्ट आ रहा है गाइस। सो आप लोग देख सकते हैं फोटो बहुत ही अमेजिंग तरीके से मैं एडिटिंग कर लिया, वो भी मोबाइल के मदद से, वो भी लाइटरूम के ऐप के मदद से। सो वीडियो कैसा लगा गाइस नीचे कमेंट करके बताना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा देना। सो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।